नमस्ते, मेरा नाम कुमार सुदीप है। मैं यहाँ पर निफ्ट मुंबई में एक्सेसरी डिजाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ओके सर, अगर मैं बात करूँ कोर्स के बारे में, तो कोर्स के बारे में कुछ बताइए सर। हमारा कोर्स का नाम है एक्सेसरी डिजाइन और एक्सेसरी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन कोर्स का पूरा विस्तारित नाम है। इसमें हम फर्स्ट ईयर हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम कॉमन रहता है, उसके बाद आगे के 3 साल इस बैचलर्स का प्रोग्राम है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जो कक्षा 12वीं पास करके बच्चे हमारे यहाँ पे निफ्ट में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। तो और स्किल क्या होना चाहिए इसमें? स्किल ये है कि आपका स्केचिंग अच्छा होना चाहिए, आइडिएशन थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और आपका मटेरियल हैंडलिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। सब कुछ मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो एक्सेसरी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो कंज्यूमर किसी भी तरह का कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या फिर वो पैकेजिंग हो। ये सारे एक्सेसरी और फैशन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन के अंडर आते हैं, और इसमें बच्चों को ये सारे स्किल्स, जैसे कि मैंने बोला कि आपका कलर क्या रहेगा, उसका आपका मटेरियल क्या रहेगा, उसकी फिनिश क्या रहेगी, तो मटेरियल हैंडल करके वो प्रोटोटाइप बनाना होता है उनका, फिर वो आगे रियल टाइम प्रोडक्शन में जाएगा, उसके लिए पूरी थॉट प्रोसेस मतलब इसके यहाँ से रेडी किया जाता है, एक साथ काम करा के प्रैक्टिस करा के उनको उसके लिए रेडी करते हैं। प्रैक्टिकल कितनी ट्रेनिंग? ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, कुछ उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनको केस स्टडीज बताते हैं। उसके अलावा ये बाकी का काम अपना बच्चे अपने स्केचेस पे, पेपर पे, शीट पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, और उसके बाद वर्कशॉप में करते हैं, जहाँ के वो अपने आइडियाज को मटीरियल में शेप देते हैं। अगर हम बात करें इन बच्चों का सैलरी पैकेज, अगर इंडस्ट्रीज में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो कितना होता है? बच्चों का हमारे एडी के बच्चे, काफ़ी वर्सेटाइल कोर्स है ये, एक्सेसरी डिज़ाइन के बच्चे हमारे अलग अलग एरियाज में जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपका FMCG हो गया, पैकेजिंग का एक एरिया हो गया, और आपका ज्वेलरी हो गया, बैग की कंपनी है, तो इन सब में बच्चे ज्वाइन करते हैं। उनका पैकेज मोस्टली ऑन एन एवरेज आई कैन से कि पैकेज इनका 7 के अराउंड रहता है, 7 प्लस रहता है एवरेज पैकेज। ओके